तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ सीपी प्लस की तरफ से आने वाला इनका E39A 3 मेगापिक्सल का 2024 मॉडल कैमरा, और आज की वीडियो के अंदर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, और इस कैमरा की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, और साथ में मैं आपको इस कैमरा के प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको ये कैमरा परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो बढ़ते हैं इसकी वीडियो की तरफ। तो ये है इस 360 डिग्री सीपी प्लस के कैमरे का बॉक्स। सामने की तरफ आपको सीपी E39A 3 मेगापिक्सल कैमरा का जो मॉडल नंबर है वो इधर आपको लिखा हुआ मिल जाता है, और सामने इधर आपको इसकी जो एक्चुअल इमेज है वो दी जाती है। तो अभी जल्दी से इसके बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले इधर आपको एक छोटे वाला जो बॉक्स है वो देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको कुछ वॉल माउंटिंग स्क्रूज मिलते हैं, जिससे हमारा जो कैमरा है हम इसको वॉल के ऊपर माउंट कर सकते हैं। और उसके बाद इधर हमें एक अटैचमेंट मिलती है, जिसको यूज़ करने के बाद ही हमारा जो कैमरा है वो वॉल के ऊपर माउंट होगा। उसके बाद इधर आपको 1.5 मीटर्स की पावर कॉर्ड देखने को मिलती है, और ये जो पावर कॉर्ड है ये आपको सी टाइप पावर केबल मिलती है, जो कि आपके कैमरे को पावर देगी। और उसके बाद में इधर हमें एक पावर अडैप्टर देखने को मिलता है, जो कि हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव है सीपी प्लस की तरफ से। और ये जो पावर अडैप्टर है ये आपको 5 वॉट्स का पावर अडैप्टर मिलता है। और उसके बाद इधर है हमारा लास्ट बॉक्स, और इसके अंदर हमें हमारा जो कैमरा है वो देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का हमें कैमरा जो है बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हमें इसके बॉक्स के अंदर ऑफर की जाती हैं। तो जैसे आपने देखा इस कैमरा की अनबॉक्सिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी मैं आपको इस कैमरा का जो ओवरव्यू है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं आपको इस कैमरा का जो ओवरव्यू है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। सामने इधर आपको कैमरा मिलता है, नीचे इधर आपको सीपी प्लस की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलती है। इस कैमरा के बैक साइड पे इधर आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है, नीचे इधर आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई मिल जाती हैं, जिनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और लेफ्ट साइड पे इधर हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलती है, और उसके साइड में इधर हमें ब्लैक कलर का रीसेट बटन भी देखने को मिलता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये QC पास्ड है, और इधर स्टिकर वगैरह सभी लगे हुए हैं। नीचे की तरफ इधर हमें 4 टिप्स देखने को मिलती हैं, और इधर हमें अटैचमेंट लगाने के लिए जगह भी देखने को मिलती है। और ओवरऑल ये जो कैमरा है आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको इस कैमरा को अपने मोबाइल के साथ अटैच कर दिखा देता हूँ। और अभी तक अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऑफर हुई है तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, तो प्लीज़ कर देना। तो अभी मैं आपको इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको इस कैमरा को सेटअप कर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको कैमरा को ऑन कर लेना है, और एक और बात, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर एक इजी कैम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, चाहे आपका फ़ोन एंड्रॉयड है या iOS है, दोनों के ऊपर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो इधर आपको सबसे पहले जाके अपना कैमरा का मॉडल नंबर सर्च कर लेना है। जैसे इधर E39A आ चुका है, और इधर मैंने इसको क्लिक कर दिया है। और उसके बाद ये हमें बोल रहा है कि सबसे पहले हमें इस डिवाइस को रीसेट करना पड़ेगा, और इस कैमरा के पीछे इधर आपको एक रीसेट बटन देखने को मिल जाएगा। इसको आपको 3 सेकंड तक दबाकर रखना है, जिससे ये कैमरा जो है रीसेट हो जाएगा। और उसके साथ में इधर आपको ये प्रॉम्प्ट सुनने को मिलेगा। और उसके बाद ये जो कैमरा है ये 360 घूमना शुरू कर देगा। उसके बाद इधर आपको नेक्स्ट टैब के ऊपर क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट इधर आपको इसको कर देना है। और उसके बाद इधर आपको वाईफाई का आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। और उसके बाद में इधर हमें एक स्कैनर देखने को मिल जाएगा, और इसको हमको अपने कैमरा को रीड करवाना पड़ेगा। तो सिंपली कुछ इस तरीके से आपको इस कोड को अपने कैमरा को रीड करवा, और ये जो कैमरा है खुद ब खुद ही इस कोड को रीड कर लेगा। और जब ये कैमरा कोड को रीड कर लेगा ये आपको प्रॉम्प्ट सुनने को मिलेगा, और इस कोड को स्कैन करते ही आपका ये जो डिवाइस है ये आपके मोबाइल फ़ोन के साथ में ऐड होना शुरू हो जाएगा। और इधर आपको 2 मिनट का टाइमर देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले ही ये जो कैमरा है आपके मोबाइल ऐप के साथ सिंक हो जाता है। और ये जो डिवाइस है ये हमारे एप्लीकेशन के साथ ऐड हो चुका है, और सिंपली इधर आपको डन के ऊपर क्लिक करना है, और आपका जो कैमरा है आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस कैमरा को अपने मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इस कैमरा को अपने मोबाइल के साथ में अटैच कर लिया है, और ये जो कैमरा है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और अभी मैं आपको इस कैमरा के और इसकी एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं आपको इस कैमरा के कुछ फीचर्स हैं वो भी चला कर दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले इधर आपको प्लेबैक फंक्शन मिलता है और उसके साथ काफ़ी सारे और फीचर्स भी आपको इस कैमरा के साथ मिलते हैं। प्लेबैक फंक्शन, गैलरी फंक्शन, थीम कलर, प्राइवेट मोड और नाइट मोड जैसे फीचर्स आपको इस कैमरा के अंदर मिलते हैं। उसके बाद अगर आपको एक फ़ीचर मिलता है मोशन ट्रैकिंग का, और ये फीचर जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे अभी मैं आपको कर दिखा देता हूँ, जैसे मैंने हाथ अपना रखा है कैमरा के आगे, ये जो कैमरा है इस मोशन को डिटेक्ट करेगा और कैमरा खुद ब खुद ही मूव करना शुरू कर देगा, और ये जो फीचर है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। तो उसके बाद में इधर हमें नेक्स्ट फीचर जो मिलता है वो है मोशन डिटेक्शन का फीचर। तो ये जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। अगर आपने एक जगह के ऊपर कैमरा लगा दिया, इधर कोई भी ये मोशन को सेंस करेगा, साथ ही आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन भेज देगा कि इसने एक मोशन को डिटेक्ट किया है। तो आपको सिंपली नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, साथ ही इधर आपको टाइम डेट सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, और सेम टाइम पर इसकी जो फ़ोटो है वो भी आपको क्लिक करके मिल जाएगी। ये जो फीचर है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है साउंड डिटेक्शन फीचर। तो इस फीचर के अंदर अगर आपका जो कैमरा है वो कोई भी अबनॉर्मल साउंड को कैच करता है तो वो साथ ही साथ आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन भेज देता है, और जैसे ही थोड़ी भी साउंड होती है ये जो कैमरा साउंड डिटेक्ट करके आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन भेज देता है, जिससे आप चेक कर सकते हो कि कौन सी साउंड कहाँ से आ रही है। और उसके बाद अगर आपको एक साइरन बटन भी देखने को मिलता है, और जब आप साइरन को ऑन करोगे कुछ ऐसी साउंड प्ले होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इधर आपको ऑडिबल अलार्म का फीचर मिलेगा, और ये जो है सेम साउंड प्ले करेगा जो ये साइरन मोड के अंदर प्ले करता है। तो ये सभी थे इसके कुछ फीचर्स। और इधर आपको एल्बम्स देखने को मिल जाती हैं, जो भी आप फोटो और वीडियो सेव करोगे सभी की सभी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद में इधर आपको टॉक बैक का जो फीचर है वो भी मिलता है, आप इसको माइक को प्रेस करके होल्ड टू टॉक कर सकते हो हेलो। और उसके साथ में इधर आपको एक जॉयस्टिक भी मिलती है, जिससे आप कैमरा का एंगल जो है उसको खुद ब खुद चेंज कर सकते हो। तो ये सभी फीचर्स आपको इस कैमरा के अंदर ऑफर की जाते हैं। तो जैसे आपने देखे इस कैमरा के फीचर्स, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अभी मैं आपको इस कैमरा का ऑडियो और वीडियो क्वालिटी टेस्ट भी दे देता हूं। अभी आप जो वीडियो क्वालिटी देख रहे हो वो डायरेक्टली 39A कैमरे के साथ में आ रही है। और अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको इस इंडोर वीडियो क्वालिटी कैसी लगी। तो अभी मैं आपको इस कैमरे का आउटडोर टेस्ट भी देता हूं। तो कुछ ऐसी सी आपको इस कैमरा की आउटडोर वीडियो क्वालिटी मिलती है, और ये जो वीडियो है ये मैं सुबह के टाइम के ऊपर शूट कर रहा हूँ, और इसके जो कलर्स हैं और एक्यूरेसी है कलर की काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये कलर्स जो हैं वो मैनेज करके दे देता है, एंड ओवरऑल ये जो कैमरा है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब बात आ चुकी है मेरे वर्डिक्ट की कि आपको CP+ का ये 360 डिग्री सिक्योरिटी कैमरा परचेज करना चाहिए कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैमरा का प्राइस, तो इस कैमरा का जो प्राइस है वो आपको 50,000 रुपीज़ का देखने को मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। अरे अरे अरे, ये तो सिर्फ एक मजाक था। और ओरिजिनल प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो कैमरा है ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन नियर अबाउट 1700 रुपीज़ से 1900 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाएगा, और 1700 रुपये के हिसाब से ये जो कैमरा है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इस कैमरा के अंदर आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको मोस्टली किसी और ब्रांड के अंदर नहीं मिलते, जैसे मोशन डिटेक्शन, साउंड डिटेक्शन, ऐसी चीज़ें आपको इस कैमरा के अंदर ऑफर की जाती हैं जो कि इसको एक वेल अराउंड पैकेज बना देते हैं। और ये जो कैमरा है ये एक इंडोर कैमरा है, और इंडोर्स के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फुटेज आपको निकाल के देता है। एंड ओवरऑल 1700 रुपीज़ की प्राइस रेंज के हिसाब से ये जो कैमरा है एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप चाहते हो कि आपको एक आउटडोर कैमरा चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियो चैनल के ऊपर जल्दी से डालने वाला हूँ, तो उसको भी देखना मत भूलना। तो यही थी कुछ आज की वीडियो, और अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर दो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है, तो प्लीज़ कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। सो तब तक के लिए गुड बाय, एज ऑलवेज गेम ऑन।